कोई बात नहीं बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो भाई आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। एज आपके मेजर टेस्ट के अंदर सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री आएगा, जो अब तक हमने कवर नहीं किया है। हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी, ठीक है, लेकिन अब बीच में आज मैसेज आया है कि ऑर्गेनिक नहीं, आप लोग इनको सॉलिड और सरफेस करवाइए, क्योंकि मेजर टेस्ट में वही आने वाला है। क्यूरिकुलम में पहले सॉलिड आपके सबसे लास्ट में थी और अभी सॉलिड आपके अचानक से बीच में डाल दी गई है, तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बेनिफिट भी देगा खैर आपके एग्जाम्स के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सॉलिड क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा खैर थोड़ा बहुत। कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉलिड मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अटैक्ट होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली, ये मूव नहीं कर सकते, ये पता है सबको? यस सर। इनफिनिट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सॉलिड हैव वेरी हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होती है, ये भी कॉमन चीज है। सॉलिड हैव वेरी हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प बोले तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट होता है। वो डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग फोर्सेस, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ऑब्वियस है बाइंडिंग फोर्सेस के। अब लो, वेरी लो कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। दे शो वेरी स्लो डिफ्यूजन, वो स्लो डिफ्यूजन भी दिखाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है भाई? मतलब हवा में उड़ना, है ना, मतलब उनकी महक आना। सॉलिड्स में से महक आती है, ऐसे सॉलिड का नाम बताओ जिसमें से महक आती है आपको। कैम्फर, कैम्फर। और भी कोई है, जितने भी फ्रूट है, फ्रूट्स की स्मेल आती है ना, सबके सब सॉलिड भी हैं, सिंपल। सर एक में से गंदी स्मेल भी आती है, लेकिन उसका नाम नहीं बोल सकता अभी। रहने दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सॉलिड में क्या होता है। ये एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है ना एटम्स के बीच में, बहुत थोड़ा सा होता है। मुझे फिर से छींक के शुरू हो गई अभी। थोड़ा सा स्पेस होता है, जैसे ये देखिए आपको स्पेस दिखाई दे रहा, जो मैं ग्रीन पार्ट से इसे चारों तरफ लगा रहा हूं, दिख रहा है? यस सर। सॉलिड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर वो वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पर हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, हिलते yes, हैं। इसीलिए जो आपके घर पर छत है उसका जो लेंटर लगा है, वो लेंटर के अंदर भी लगातार मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं और उनको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लगातार वाइब्रेट करने से वो धीरे 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 साल दर साल कम होता है। तो वो 100 साल की मियाद मानी जाती है, 100 साल से 110 या 120 साल तक जो हमारा कंक्रीट का लेंटर होता है, डिपेंड करता है कि उसको उस मिक्सचर को साइंटिफिक में से वैसे इंजीनियरिंग वे से मिलाया गया है कि नहीं। अगर आपने उसमें कम ज्यादा कुछ कर दिया तो उसकी मियाद कम हो सकती है, तो 100 से 120 साल तक के बीच में होती है इसकी मियाद, ठीक है, लेंटर की। तो उसमें भी मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं और वाइब्रेशन करने से वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा जो खंडर हो जाते हैं, जैसे पुराने स्कूल होते हैं उनके लेंटर में से टुकड़े टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं छत में से, देखा है? Yes, sir. Yes, sir, देखा है। वो इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि वो लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं और वाइब्रेट करने की वजह से लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट करते 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 कभी ना कभी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक से एक अलाइनमेंट में आ जाती है, एक अलाइनमेंट, सारे मॉलिक्यूल इधर गए, सारे मॉलिक्यूल उधर गए, इधर उधर, और लास्टली वो टूटने लग जाता है। तब भी वो टूटेगा नहीं इतना जल्दी क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है तो वो वहां से टूट जाता है, ऐसे करके लेंटर टूटता है। शुरू में क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, अच्छे से होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कितना टाइम? सालों में लगते हैं भाई, ईयर्स ऑफ टाइम लगता है ना, सभी सॉलिड्स में ऐसा होता है। आयरन, अगर हम कहें कि आयरन तो नहीं टूटेगा फिर, अगर माना जाए तो आयरन को भी अगर ग्रेविटी के अंदर, अगर किसी सॉलिड में आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर हमारा लेंटर भी है, ग्रेविटी जीरो हो जाए वो भी नहीं टूटेगा, समझ रहे हो बात? ग्रेविटी जीरो हो जाए तो सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सर तो बिना ग्रेविटी के किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं क्या बेटा? सर जैसे ग्रेविटी ना हो तब तक हम लोग किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं बिना ग्रेविटी के, एक चैम्बर के अंदर प्रिजर्व किया जा सकता है, अपोजिट फोर्सेस, सक्शन पंप से अपोजिट फोर्स लगा के फोर्स को बराबर करके, लेकिन वो उतना इफेक्टिव तो नहीं होता, बट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या, अगर लोहा है, लोहा का भी आपने लोहे की रोड्स का लेंटर बना दिया या
कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लोहे के वो ले लिए, आपने पाइप्स ले लिए, उनका लैंडर बना दिया, तो वो भी धीरे धीरे गर्म होंगे, ठंडे होंगे, गर्म ठंडा होने की वजह से भी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लिपना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे करके। यस सर। तो वो बेंड हो जाएगा, धीरे धीरे सी शेप बना लेगा, यू शेप बना लेगा, और लास्टली वो भी कभी ना कभी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड्स में ऐसा होता है। लिक्विड में क्या होता है भाई, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं, मान लीजिए लिक्विड है, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लिक्विड्स के अंदर ये मॉलिक्यूल है पानी का सपोज, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लिक्विड में घूमता रहता है, सारा दिन घूमता रहता है, बाकी के मॉलिक्यूल वो भी सारा दिन घूमते रहते हैं, ये लिक्विड से बाहर नहीं जाएगा लेकिन लगातार सारा दिन चलता रहेगा। प्रूफ क्या है इसका कि सारा दिन चलता है? आप लोग सॉलिड लहरों का बहना नहीं, सॉलिड आप लोग यहाँ पर चीनी लीजिए, ये मान लीजिए मेरे पास शुगर है, सॉलिड क्यूब है इस शुगर का, चोरस, ठीक है, और इसको ना पानी को बिना हिलाए बिल्कुल आराम से क्या कीजिए, पहले फ्रीज कर लो, चलो ऐसा करते हैं, पानी को सॉलिड ये क्यूब लिया, उसके बाद में फ्रीज कर लिया पानी को, बिल्कुल ठंडा हो गया, 0 डिग्री पर वो सॉलिड बन गया। अब पानी सॉलिड होने के बाद अब आपने उसको 0 डिग्री पर लिक्विड बना लिया, 0 पर ही है बट लिक्विड बना लिया। अब लिक्विड लगातार मूव करता है, ये प्रूफ कैसे होगा, सॉलिड शुगर के मॉलिक्यूल्स को लगातार टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है लगातार, जिससे इनके मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है लगातार टक्कर लगाने से, और वो घुलना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। इस तरह से पानी में अगर बिना पानी को बिना रोटेट किए उसको मतलब हल्का सा भी हिला नहीं रहे हो, ठीक है, उसको स्टायर नहीं कर रहे हो, स्टायरिंग का मतलब होता है गोल गोल घुमाना, है ना, तो स्टायर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली पानी को क्या किया जा सकता है, फिर भी पानी में चीजें घुल जाती हैं, तो इसका मतलब वहां पर पानी में डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स लगातार चलते रहते हैं। गॉट इट गाइस? थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे, ये फॉर्मूलों वाला है, फिजिकल है, आगे आएगा, आज का मतलब आज और कल का 2 लेक्चर शायद ऐसे जाएंगे आसान आसान से, ठीक है, आगे आएंगे, ठीक है, बढ़िया वाले फॉर्मूले, बट आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस एक वो नियरर नेबर वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बाकी सब तो आसान है, इसमें मजेदार है, वो नियरर नेबर वाला ध्यान से कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल आएंगे, टक्कर मारेंगे, वापस चले जाएंगे, टक्कर मारेंगे, वापस चले जाएंगे, तो इस तरह से पानी में चीनी अपने आप घुल जाती है, आपको चीनी को मोशन करवाने की जरूरत नहीं, बट अगर आप मोशन करवा देते हैं पानी को और चीनी भी मोशन कर रही है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे जल्दी घुल जाती है। क्लियर है? यस सर। तो ये होता है, तो यहां से क्लियर हो गया होगा, लिक्विड में लगातार मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, सब मॉलिक्यूल आपस में चलते रहते हैं, इधर उधर एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, कभी नहीं रुकते, कभी नहीं रुकते। सॉलिड में क्या होता है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ये अपनी मीन वैल्यू से, एक एवरेज वैल्यू से बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं जा सकता, समझ गए, लेकिन लिक्विड में लगातार वो चलते रहते हैं, बट वो लिक्विड से बाहर नहीं जाते। और गैस में, गैस में तो जिधर मुंह उठा लिया ना, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सामने कोई रोकने वाला है, दीवार है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल से टक्कर मार के वापस इधर उधर लेफ्ट राइट हो सकता है या बिल्कुल वापस बैक हो सकता है, लेकिन जब तक सामने से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टक्कर नहीं लगेगा तब तक वो चलता ही रहेगा। ये होता है गैस में। क्लियर है सबको? यस सर। को इमेजिन करना कि जितने भी सॉलिड आपके सामने, आपकी स्क्रीन है, जो फोन की स्क्रीन है, या कहीं दीवार है, उस दीवार में सारे मॉलिक्यूल लगातार लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, और आपको लग रहा है कि दीवार तो बिल्कुल सॉलिड है, घंटा सॉलिड है। अब इसको इमेजिन करके देखना, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि है ना, वो दिव्य दृष्टि लेके आई है, सब हिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी के ऊपर ही चल रहे हम लोग, सोचिए सब कुछ हिल रहा, मतलब सब कुछ हिल रहा है, जबरदस्त वाली वाइब्रेशन है हर चीज के अंदर, और लगातार सारी चीजें हिल रही है, जो भी आपको सही नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं इस संसार में सब नश्वर है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी एक दिन, क्यों, जो चीज नई बिल्डअप हो रही है वो बिल्ड अप होने के बाद जब उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स रुक जाएंगे, जब वो डेवलप करना बंद कर देगा, तो उसका फिर उसके वाइब्रेशन की वजह से वो मरना शुरू हो जाएगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। पहाड़ बन रहा है जब तक, पहाड़ हिमालय कैसे बना था पता है, अर्थ के दो हिस्से थे, अलग अलग थे, और वो जब पास आए तो जहां पर वो भिड़े, वो प्रेशर की वजह से ऐसे 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 करके ऊपर उठना शुरू हो गए, वो हिमालय पहाड़ बन गया। समझ में आया? यस सर। पढ़ा होगा सबने, देखा होगा कहीं ना कहीं, तो हिमालय पहाड़ वैसे बना था। अराज बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? सर वही था कि मतलब क्या नाम है, अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है, जैसे सॉलिड में वाइब्रेशन होती है, तो अर्थक्वेक से ज्यादा वाइब्रेशन हो जाती होगी,
तो फिर उसके वजह से जल्दी से सारे। देखिए बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मैं अंदर की वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए मेरे पास, मेरे हाथ में पेन है, अगर आप इसको ऐसे जोर से मारते हैं तो ये पूरा का पूरा पेन, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड वाइब्रेट कर रहा है। ये अनदर लेवल ऑफ वाइब्रेशन है, पूरे सॉलिड का वाइब्रेशन। लेकिन अंदर जो मॉलिक्यूल है वो तो हमेशा वाइब्रेट करते हैं। जैसे आप घंटी बजाते हो, बेल वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड आता है। तो वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो आप उस वाइब्रेशन की बात कर रहे हो। जब अर्थक्वेक आता है तो पूरी की पूरी अर्थ वाइब्रेट करती है, मतलब पूरे सारे मॉलिक्यूल एक साथ वाइब्रेशन कर रहे हैं एक्सटर्नली। और मैं बात कर रहा हूं जो इंटरनल मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं। वो वाइब्रेशंस इतने कम होते हैं कि आप अगर मेज पर हाथ रखते हो, चेयर पर बैठे हो, तो चेयर के मॉलिक्यूल आपको वाइब्रेट करते हो थोड़ा नजर आएंगे। मेज पर हाथ रख रहे हो, आपको वाइब्रेशन थोड़ा नजर आएगी। लेकिन अगर मैं पूरे घर को हिला दूं तो मेज आपको हिलता हुआ नजर आ जाएगा, समझ गए? तो वो पूरा घर, पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर वाइब्रेट कर रहा है, वो अलग लेवल का वाइब्रेशन है। और मैं जो बात कर रहा हूँ इंटरनल मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? ओके सर। तो भाई अर्थ में, अब मैं बात कर रहा था जब अर्थ के दो हिस्से मिले तो हिमालय की पहाड़ियां आपस में ऐसे करके बहुत सारी पहाड़ियां बन गई हिमालय की। उसमें कुछ ऊंचे पर्वत बन गए, कुछ नीचे बन गए, वो आपस में बन रहे हैं। जब बन रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है बड़ा हो रहा पहाड़। तो आपने सुना होगा माउंटेन एवरेस्ट हर साल 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा लेता है, पता नहीं 2 mm हाइट बढ़ा लेता है, सुना होगा ना? क्योंकि अभी ऐसे तो नीचे से खोखला होता होगा वो, क्या जो मतलब उसकी प्रेशर की वजह से ऊपर बढ़ते हैं माउंटेन, तो ऐसे अंदर से खोखला नहीं होता, मतलब सॉलिड होता है। अरे मेरी बात सुनो, मिट्टी मिट्टी से टकरा रही है तो मिट्टी अंदर से खोखली थोड़ा होगी। अच्छा, मिट्टी मिट्टी से टकरा रही है, इतना फोर्सफुली टकरा रही है कि वो पत्थर बन जाती है सॉलिड। वहां पर जो कैल्शियम या जो भी उनका कैल्शियम कार्बोनेट की जो वो है क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे से टकरा के इतना पास आ जाते हैं और इतना प्रेशर से मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा पास आकर एक पक्के वाला सॉलिड बना लेता है, जिसे पत्थर बोलते हैं। और बाकी के जो मिनरल हैं वो भी होते हैं पत्थर में, अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं, समझ गए? यस सर। है ना, वो सॉलिड। तो इस तरह से हिमालय बना था। तो अब हिमालय जब जब ये रुक जाएगा ना प्रेशर, मतलब आज भी पड़ रहा है इतना धीरे धीरे, लेकिन वो प्रेशर आज भी पड़ रहा है जिसकी वजह से हिमालय बढ़ रहा है। जिस दिन ये बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन के बाद से हिमालय का क्षीण होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो गिरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हजारों साल लगेंगे उसमें, लाखों साल, लेकिन हिमाचल पर्वत भी मिट्टी बन जाएगा, एक दिन मिट्टी बन जाएगी वहां पर। वहां पर भी खेती हुआ करेगी, समझ गए? और सोइल कैसे बनती है ये आपने 7वीं 8वीं क्लास की साइंस में पढ़ा होगा। yes, पढ़ा है। पहाड़ टूटता है, फिर वो और टूटता है, वहां पर छोटा मोटा बीज कोई या पानी की वजह से वेपर बनते हैं पानी के, और वो वेपर जो है दरार आ जाती है, वो वेपर दरार में फंस जाते हैं और फिर वो वेपर प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि पानी का वॉल्यूम लिक्विड का कम होता है, वेपर का ज्यादा होता है, इसकी वजह से पहाड़ 2 टुकड़ों में टूट गया। फिर वो पहाड़ नीचे आया, फिर वहां पर उसके चारों तरफ हल्की फुल्की मिट्टी आई, मिट्टी ने ग्रो किया, फिर उन मिट्टी के ऊपर पेड़ उगे, उन पेड़ों ने जड़ों से पानी भी अब्सॉर्ब किया, और वो जो पत्थर की पहली लेयर होती है ना, उसके थोड़ा थोड़ा भुरभुरा सा आटा पत्थर का, हल्का हल्का पाउडर, वो पाउडर भी पानी में मिक्स करके अपनी जड़ों से अब्सॉर्ब किया, जिससे उसे मिनरल मिले। और फिर धीरे धीरे जब वो पेड़ मर गया, पेड़ वहीं का वहीं मतलब डेड हो गया, फिर उसकी मिट्टी बन गई पेड़ की, फिर पेड़ उस मिट्टी पे फिर से पानी आया, और नीचे पहाड़ को भी पानी मिला, गर्म ठंडे की वजह से पहाड़ और टूट गया, धीरे धीरे करते करते ऐसे मिट्टी बन जाती है, समझ में आ? मतलब पहाड़ अगर पूरा ग्रो कर चुका है तो वो मिट्टी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लाखों सालों में, और पहाड़ अगर ग्रो नहीं हुआ है तो अभी वो जबरदस्त बन रहा है, जैसे कि हिमालय पर्वत बन रहा है। ये कहानी होती है तो किसी चीज के बनने या बिगड़ने की, लेकिन सभी चीजें वाइब्रेट कर रही है, याद रख लेना, इंटरनली मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं हम स्टेबल नहीं है और हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है। वो दिव्य दृष्टि कहते हैं ना, भगवान को देखने के लिए अलग आंख चाहिए, अलग नजर चाहिए, वो क्या है? वो माइक्रोस्कोपी तो है, हमने हिग्स बोसोन पार्टिकल ढूंढा। कहते हैं कि समय नहीं था, एक समय था जब समय था ही नहीं, जब समय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, टाइम वॉज नॉट देयर। क्या ऐसा पॉसिबल है? आइंस्टीन ने भी बोला है कि किसी टाइम टाइम नहीं था, टाइम वॉज नॉट देयर। टाइम नहीं होगा तो फिर शुरुआत कैसे हुई हमारी? क्या बात है, यही अगर इतना समझ आ जाए तो मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा बेटा, फिर तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, सॉरी, है ना? अब आगे देखिए, मतलब कभी टाइम था कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम टाइम को जीरो कर सकते हैं ना, आइंस्टीन ने कहा है ना, टाइम कैन बी जीरो, है ना? यस सर, क्लॉक को जीरो पे कर देंगे, है ना? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो समय रुक जाता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो समय बैक होना शुरू हो जाता है या आगे बढ़ना शुरू होता है, ऐसा कुछ है,
एक एक क्लॉकवाइज चलने पर समय रुकेगा पहले और फिर समय बैक जाना शुरू हो जाएगा, और एंटी क्लॉक में शायद समय जो है वो पहले फास्ट हो जाएगा और लगातार फास्ट होता रहेगा। आप भविष्य भी देख सकते हैं, आप भूतकाल भी, और ये आइंस्टीन कहता है, मुझे नहीं पता है ना, तो उससे पूछो भाई उसने क्या कहा था। तो अगर ऐसा है, मतलब जब समय नहीं था तब, तो उस टाइम पर, मतलब जब टाइम बना और टाइम बनने के बाद में, फिर एक और चीज बताता हूँ आपको, वो आपने फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि चीजों में मास नहीं था पहले, पता यूनिवर्स वेटलेस, मासलेस यूनिवर्स था, फिर एक पार्टिकल बना, मतलब वो चीज पहले प्रेजेंट थी, पार्टिकल पहले प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ चीजों के मिलने से एक नया पार्टिकल बना जिसकी वजह से वजन आ गया चीज में, कमाल नहीं है। तो अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर दे, उसे निकाल दे, तो हम वेट लेस हो सकते हैं, इज नॉट दिस पॉसिबल है? या फिर अगर हम उस पार्टिकल का अमाउंट बढ़ा दें, जैसे न्यूक्लियस में बहुत डेंसिटी होती है जबरदस्त वाला, तो न्यूक्लियस को बढ़ा दें तो उसका मास बढ़ाया जा सकता है, इज नॉट दिस? यस सर। देखिए आप लोगों ने शायद एक चीज पढ़ी होगी कि जब कोई चीज मोशन में जाती है तो उसको 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की मोशन से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मास लगातार बढ़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मास होता है वो, मोमेंटम, मोमेंटम बढ़ेगा। तो मोमेंटम बढ़ने के साथ में उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो लास्टली वो इतना भारी हो जाएगा कि उसकी स्पीड आप ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए उसकी स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं हो सकती। क्लियर है? यस सर। तो यानी कि आपको मास जीरो करना होगा, या तो हिग्स बोसोन को हटा दो तब मास जीरो हो सकता है, तब हम स्पीड से जा सकते हैं, बट आइंस्टीन कहता कैसा पॉसिबल है। अब आइंस्टीन की बात को और इस चीज को रिलेट करें फिजिक्स को कि भाई मोमेंटम बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है उसका मास लगातार बढ़ता जाएगा, मास और मोमेंटम, उसका मोमेंटम लगातार बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको उसे एक्सेलरेट जब आप उसे करते हैं तो डेफिनेटली आपको हर बार ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, शुरू में कम लेकिन बाद में बढ़ती जाएगी बढ़ती, और एनर्जी इनफाइनाइट तक चली जाएगी क्योंकि आपका मोमेंटम इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इस हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं, आइंस्टीन कहता है, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है फिर, अगर हम मास को जीरो करें तो, मास को कम करते जाओ, कैसे कर सकते हैं मास कम, हिग्स बोसोन को हटा दो, कैसे हटा सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज का प्रमाण मिलता है। अगर आप वैदिक साइंस को देखते हैं, इसका प्रमाण मिलता है वैदिक साइंस में, कैसा किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा पॉसिबल है स्पीड, कैसे सर? हनुमान जी की, हनुमान चालीसा सर, मैंने तो सुना था जब लाइट की स्पीड पे पहुंचते कोई ऑब्जेक्ट तो उसका मास अपने आप कम होने लगता है, रिलेटिव मास हो जाता है। मास कम होता है ज्यादा होता है सर? रिलेटिव मास हो जाता है, मतलब मास रिलेटिव मास में बदल जाता है। रिलेटिव मास में बदल जाता है, लेकिन उसका मास कम होगा या ज्यादा होगा सर? पता नहीं, मैंने मतलब ऐसे देख रहा था ना, तो बोल रहा बता रहा था कि रिलेटिव मास में बदल जाता है, प्रोपोर्शनल मास में आ जाता है। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे भी इतनी फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन मेरे को जो बात चीज पता मैं आपको बता रहा हूँ। और आप एक चीज सोचिए, मैं आपको धक्का मारता हूँ, ठीक है, मास इनटू मोमेंटम, ठीक है, yes. आपको मैंने धक्का लगाया, स्पीड बढ़ गई, उसके बाद मैं आपको, मतलब एक स्पीड पर आने के बाद मुझे फिर से आपको धक्का लगाना, फिर से फोर्स लगानी है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे उससे ज्यादा फोर्स, क्योंकि मुझे भी तो आपके साथ एक्सेलरेट करना पड़ेगा। मास बढ़ता है स्पीड के साथ, मास बढ़ता है बेटा, ठीक है, चलो उस चीज को, खैर मेरे को फिजिक्स आगे की बात तो सुनो, फिर उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। अब देखिए, इस चीज का प्रमाण मिलता है वैदिक साइंस में, हनुमान चालीसा अगर आपने पढ़ी हो, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, पढ़ा? यस सर, पढ़ा है। हनुमान चालीसा की तरह था, अष्ट सिद्धि और नव निधियां, आठ सिद्धियां और नौ निधियां थी हनुमान जी के पास, जो कि जानकी माता, सीता माता ने उनको दी थी। अब वो क्या थी पता है? उसमें एक था कि हनुमान जी जितना चाहे उतना अपना आकार बढ़ा सकते हैं, और ये चीज उन्होंने प्रूव की थी जब बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, आकार बढ़ा दिया था ना, वो सूरज के पास गए, आकार साइज बड़ा किया, और बड़ा किया, और बड़ा किया, और बड़ा, तो सूरज बड़ा होता गया, उन्होंने देखा कि यार मैं इसके पास जा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, अच्छा मेरे से खेल कर रहा है, तो उन्होंने अपना साइज और बड़ा, वो जितना चाहे उतना साइज बड़ा कर सकते थे। फिर दूसरी चीज बताता हूँ, ये तो पहली चीज है, दूसरा एग्जाम्पल आता सुरसा, जब सुरसा आई थी तो उन्होंने अपना साइज बढ़ाया था, तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ा लिया, हनुमान जी ने और साइज बढ़ाया, और मुंह बढ़ाया, और साइज बढ़ा लिया, यानी दो बार प्रमाण मिलता है कि वो अपना साइज कम या ज्यादा कर सकते थे। कम करने का साइज बताता हूँ, जब लंका में गए तो वहां पर सुरसा बैठी थी, ठीक है, सुरसा ने क्या हो, लंकिनी बैठी थी, उन्होंने मच्छर रूप धारण करके वहां पर क्रॉस करने की कोशिश की,
लेकिन लंकनी ने उसको देख लिया, वो बहुत अच्छी पहरेदार थी और ईमानदार थी, तो लंकनी ने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया था, ठीक है, हनुमान जी को। तो यहां से पता लगता कि वो बहुत छोटा रूप भी धारण कर सकते थे, जितना चाहे उतना छोटा। अब एक और चीज कहावत है हनुमान जी के लिए, कहा वो अपना मांस जितना चाहे उतना अपना वजन बढ़ा सकते थे और जितना चाहे उतना अपना वजन घटा भी सकते थे, ये उनकी रिद्धियों और सिद्धियों में था। वो जितना चाहे उतना स्पीड बढ़ा सकते थे और जितना चाहे उतना मंद गति से भी चल सकते थे, अपनी गति को कितना भी इंक्रीज कर सकते थे, अपने मास को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे, ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियों में लिखा हुआ है। तो अगर ये चीज लिखी है तो यानी हम जब कोरिलेट करते हैं कि वो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हम बोल देते हैं ये तो दंत कथाएं हैं, फालतू हैं, तो भाई उसमें साइंटिफिक रिसर्च के चीजों को मैच किया हुआ है कि अगर आप अपना साइज बढ़ा रहे हो, साइज घटा रहे हो, डेफिनेटली मास को बढ़ा रहे हो, मास को घटा रहे हो, हिग्स बोसोन पार्टिकल प्रूव हो चुका है, और आइंस्टीन कहता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना मास घटाना पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। हनुमान जी ने, हनुमान जी के गुरु थे ये क्या नाम इनका, भोलेनाथ भी थे, शिव जी भी थे, और साथ में उनके गुरु सूर्य देव रहे हैं। तो सूर्य देव से जब उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए तो सूर्य देव ने बोला कि मेरा वेग बहुत तेज है, मैं बहुत तेज गति से चलता हूँ, ठीक है, कहते मेरा तो स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा तेज से चल रहे हैं, गैलेक्सी के चारों तरफ जो गैलेक्सी भाग रही है तो उसके चारों तरफ जो वो चक्कर लगाते हैं, तो उन्होंने बोला मेरा वेग बहुत तेज है। तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी उतनी स्पीड से चलूंगा। कहता लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं सामने देखकर चल रहा हूं भाई, तो तुझे मेरे सामने खड़ा होना, तुझे उल्टा भागना है, यू शुड हैव टू रन बैकवर्ड। तुमने को कोई दिक्कत नहीं, मैं उल्टा भाग लूंगा। उन्होंने सारी शिक्षा पूर्ण की उल्टा भागते हुए, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा सन के साथ, समझ रहे हो? ये भी प्रमाण yes, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखो हमें पूरी नॉलेज नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगर इन प्रमाण को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो समझ में आता है कि यहाँ कहीं ना कहीं उनकी साइंस थी। वो सिद्धियां कैसे ली जाती हैं हम नहीं जानते, लेकिन वो था जरूर, क्योंकि आइंस्टीन उनको रिलेट कर रहा है, आइंस्टीन ये बात कह रहा है, और हमारे वैदिक साइंस में पहले से लिखी हुई है, तो कहीं ना कहीं यानी कि ऐसा किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे वी डोंट नो। अभी सुना है ना, पूछ रहे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं ना बेटा तो मैं भी फिर यहाँ पढ़ा ना रहा होता। आप भी स्पेस के चक्कर लगा रहे होते तब से। मैं सूर्य के चक्कर लगा रहा होता। चलिए, तो यानी कि ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, लेकिन अभी हम डेवलप नहीं हुए। तो हर चीज दुनिया में वाइब्रेट कर रही है, मेरा कहने का एक्चुअल मीनिंग ये था, ठीक है। और लिक्विड्स में वो चलते रहते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, चलते भी हैं, और गैसेस में वाइब्रेट भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, और किधर जिधर भी चल रहे हैं, वो तो फ्री टू मूव है। तो अब आपको सॉलिड थोड़ा समझ में आएगा कि सॉलिड ने यहाँ कहा है ना, नॉट एबल टू मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन वाइब्रेट लगातार करते रहते हैं। शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, लो कंप्रेसिबल, वेरी स्लो डिफ्यूजन, बहुत धीरे होता है, बट इनमें से भी खुशबू आती है, बदबू भी आती है सॉलिड्स में से, है ना। यशवीर कह रहा था को बदबू याद आ रही है यशवीर। आगे बढ़ते हैं। मेरे अभी मैं आया था ना तो गाय दिख गई थी मुझे। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, गाय के अलावा बहुत कुछ है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो देखिए भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, दो तरह के सॉलिड होते हैं। अब ये मैं सीधा बता देता हूँ क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली लोग एग्जांपल देते हैं, सर सॉलिड्स जो है उनका वॉल्यूम इनकंप्रेसिबल होता है, रुई ले लो सर, रुई को तो दबा के उसको कंप्रेस कर सकते हो, है ना, क्या क्वेश्चन है, सॉलिड की सारी डेफिनेशन खुश हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट सॉलिड है ही नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट सॉलिड विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होता है, ये फाइब्रस सॉलिड है, पॉलीमर सॉलिड है, फाइब्रस एंड पॉलीमर। जो आपकी रुई होती है वो फाइब्रस होती है, फाइबर में होती है, और पॉलीमर है, तो पॉलीमर्स के जो होते हैं वो अमोर्फस सॉलिड होते हैं। अगर रुई को भी आप लिक्विड बना के वापस सॉलिड बना लो, लिक्विड बना के वापस सॉलिड, या फिर इसको बहुत टाइटली पैक कर दो, तो उसके बाद वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा सा बिहेव करेगी, बट वो फिर भी कंप्रेसिबल होगी, फिर भी होती है, जैसे रबड़ होती है, रबड़ को आप कंप्रेस कर सकते हो, पता है ना सबको, यस सर, रबड़ की तरह बन जाएगी रुई जब उसे आप काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दोगे। तो हम कॉम्पैक्ट सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, वरना तो आप लोहे को भी मतलब तारों में डिवाइड करके उसका तार बना लीजिए, और तारों को फिर आप लंबा खींच सकते हैं, तारों को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये भी कंप्रेस हो रहा है ना, तो वैसे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वो बचकाना सवाल होगा, अमोर्फस सॉलिड्स के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। तो अमोर्फस सॉलिड होता क्या, मैं सिंपल बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जो परफेक्ट सॉलिड है, जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्ट पैकिंग में जमते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप सभी बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए स्कूल में आप लोग लाइन लगा के प्रेयर में खड़े होते होंगे,
यस सर तो जब आप लाइन लगा के प्रेयर में खड़े होते हो तो एकदम बच्चा होगा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके ऐसे खड़ा होता होगा और वो तो सारे ऐसे खड़े होते पूरी हैं। लाइन की बैंड बजा देता होगा। लेकिन अगर हमें परफेक्ट खड़ा होना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, अगर एक बच्चा भी टेढ़ा खड़ा होगा तो पूरी लाइन की बैंड बजाता है सामने। फिर टीचर आता है, फर्स्ट बच्चे के सामने टीचर आता है, कहता भाई सभी सामने इधर देखो मेरी तरफ, और सब बच्चे सीधे हो जाते हैं। लेकिन सोचिए जरा, थोड़ा सा सोचिए, ये एक लाइन जो है ये 5,000 बच्चों की लाइन है। एक लाइन में 5,000 बच्चे खड़े हैं। मैं सामने खड़ा होकर कहता हूँ भाई सीधे खड़े हो जाओ, पॉसिबल है सीधे खड़े रहना, पूरी लाइन का सीधा हो जाना? नहीं सर। कोई ना कोई हल्का फुल्का डिजाइन तो बना ही देंगे, वो बना देंगे ना। यस सर। बच्चे कितने भी सिंसियर हो फिर भी उनका दिमाग काम नहीं करेगा। हम यहाँ पर नॉट सिंसियर बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि मतलब जानबूझ के ऐसा करते हैं, हम बात कर रहे हैं सिंसियर बच्चों की। लेकिन फिर भी डिजाइन बन जाएगा वो सही नहीं होगा। अगर मैं 5,000 से, आप सोचिए नहीं नहीं सर हो सकता, तो मैं अगर 1,00,000 बच्चों की लाइन लगाना चाहूँ तो आप कहेंगे सर अर्थ है वो गोल घूम जाएगा। उस कर्व को छोड़ दो, उसके अलावा क्या वो लाइन सीधी रहेगी? तब भी वो लाइन सीधी नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लाइनें सीधी नहीं है, उनकी लाइन सीधी नहीं है, वो ऐसे ऐसे होते हैं। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। तो दूसरा मॉलिक्यूल भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना दूसरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर गैप कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा थोड़ा बराबर सा है, इन जगह पर हल्का सा बराबर है। समझ में आ रही है बात? यस सर। कहीं गैप ज्यादा कहीं कम जब वो मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस करेंगे, और इस वजह से ये सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं काफी हद तक, ठीक है, डिपेंड करता है इनके बीच का गैप कितना, तो ये कंप्रेसिबल है। लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में जितना पैक होना है परफेक्टली पैक हो जाते हैं, इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, उससे कम हो नहीं सकता, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। तो इनको बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड। ये होते हैं क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल, इनका जो सॉलिड क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब है परफेक्शन। क्रिस्टल जब बन जाते हैं इसका मतलब हम कहते हैं कि परफेक्ट बन रहा है, इसमें असली सॉलिड वाले गुण है, असली सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है ट्रू सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड, जिसकी अंदर की अरेंजमेंट परफेक्ट हो। अब आप इसकी शक्ल देख के कैसे बताओगे कि अंदर की अरेंजमेंट परफेक्ट है कि नहीं है? बाहर से कोई चीज आपको सॉलिड नजर आ रही है, सही नजर आ रही है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपको बिल्कुल, प्लास्टिक की चेयर आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है, बिल्कुल प्लेन कर दिया मैंने प्लास्टिक की चेयर को, आपको लगेगा ये लो यार बिल्कुल सही है, ये तो क्रिस्टलाइन हो ही नहीं सकता, ये तो परफेक्ट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब अमोर्फस नहीं हो सकता, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लगता है ना सर? अगर उसको कंप्रेस करके देखें और उसके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। थोड़े से मटेरियल से नहीं पता लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल लेना पड़ेगा, बट इतनी मशीनें कहां से लाओगे? दूसरा तरीका मैं बता चुका हूं, सारे पॉलीमर देख लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, सारे पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सब के सब अमोर्फस होते हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट एक लाइन में नहीं लेके आया जा सकता। मॉलिक्यूल ही बहुत लंबा है, ये देखिए मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, अब ये बहुत बड़ा है, इसकी लाइन ही खत्म नहीं हो रही है, तो ये जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगा तो पता नहीं कैसे जुड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। इस वजह से अमोर्फस सॉलिड का मतलब क्या है कि जो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होते। अब शक्ल देख के कैसे बताएं? शक्ल नहीं देखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बता सकते हैं, बता सकते हैं सभी? प्लास्टिक, अब देखिए प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है, तो बताइए वो अमोर्फस है कि क्रिस्टलाइन है? अमोर्फस है। उसके बाद में जो आपका डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो बॉडी के अंदर डीएनए होता है सेल में, 6 फीट लंबा होता है वो मॉलिक्यूल, 6 फीट लंबा। अब बताइए, 2 मीटर है ना, अब बताइए वो क्रिस्टलाइन है कि सॉलिड है? हर सेल में आपके 6 फीट लंबा डीएनए बैठा है, हर सेल में, और हम लोगों को लगता है कि छोटे छोटे, और वो दिखाई भी नहीं देते आंखों से, तो वो भी अमोर्फस सॉलिड है। डीएनए इसका मतलब पॉलीमर होता है, जितने भी प्लास्टिक देखते हैं, रबड़ देखते हैं, जितने भी अदर पॉलीमर्स देखते हैं आप लोग, वो सारे के सारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, सारे प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है इसका मतलब, और वो अमोर्फस है। समझ में आ गया अमोर्फस? यस सर। हाइड्रोजन को अगर सॉलिड बनाया जाए अमोर्फस बनेगा या क्रिस्टलाइन बनेगा? क्रिस्टलाइन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा मिक्सचर्स जो होते हैं, जैसे ग्लास है, शीशा,
शीशा कई चीजों का मिक्सचर होता है, SiO2 होता है उसमें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेनली मेजरली, लेकिन उसके अलावा उसमें सोडियम भी होता है और भी कई चीजें होती है, मैं भूल गया उसकी कंपोजिशन। ठीक है, हमारे ना शायद 9th-10th में क्लास में, पता नहीं 9th में मैंने पढ़ी थी, कंपोजिशन पढ़ी थी, ग्लास के टाइप भी पढ़े थे मैंने, शीशा कितने तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों के नहीं था वो, तो वो सिलेबस हट गया था बाद में। तो सोचिए ग्लास भी क्या होता है, अमोर्फस मिक्सचर्स जो है, कई चीजों के मिक्सचर हो जाते हैं ना, तो उनमें भी मॉलिक्यूल कौन सा कहाँ एडजस्ट होगा पता नहीं लगता। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की अब स्पेशलिटी, ये तो डिफरेंस आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक स्पेशलिटी बताता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि सारे पॉलीमर और बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपैक्ट नहीं हो सकते, इस वजह से उनको अमोर्फस में डालते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत सारे टीचर्स मतलब करवा ही नहीं पाते हैं, याद रखना। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों से, IIT पढ़ने वाले, आकाश में पढ़ने वाले, जहां जहां मैंने काम किया वहां पर मैंने बच्चों से पूछा, उन लोगों से जो लेसन कर चुके हैं पहले से, और उनसे भी पूछो तो उन्हें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में कहते देख के नहीं बता सकते सर हम, वो तो हमें पता होना चाहिए कि अमोर्फस कौन सा, क्रिस्टलाइन कौन सा। दो चार एग्जांपल याद कर लेते हैं। लकड़ी बताइए, लकड़ी क्या होता है? सेलुलोज, सेलुलोज पॉलीमर है, तो लकड़ी क्या हो गई? अमोर्फस। और लकड़ी सिर्फ सेलुलोज से थोड़ा मिलकर बनी, लकड़ी में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अमोर्फस मिक्सचर हो गया। समझ में आ गया? हालांकि तो ऐसे करके आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया। अब क्रिस्टलाइन की एक और खास बात बताता हूँ, इनका ऑर्डर कभी नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप लोगों को, मैं एक स्टूडेंट है और उसको मैं बोलता हूँ कि भाई ऊपर से ना कमरे की छत उड़ा दी, उड़ गई, दीवार पे आपको खड़ा कर दिया, और मैं आप लोगों को चेयर देता हूँ। अब अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में दूसरा डिफरेंस बता रहा हूँ कि अंदर पे, अंदर होता क्या, बाहर से देखकर अब आप बता सकते हैं, फॉर्मूला देखकर, अब अंदर क्या होता है वो बता रहा हूँ। देखो क्या है, मैंने छत उड़ा दी रूम की, समझ में आ रहा है सबको, और प्लास्टिक प्लास्टिक की चेयर दे दी मैंने आपको, जो बैठने वाली नॉर्मल प्लास्टिक चेयर अपने घरों में होती है, वो मैंने आपको लॉट्स ऑफ अमाउंट में दे दी, और मैंने कहा कि इस रूम में भरनी है, इस रूम में भरनी है ऊपर से उठा के। अब एक बच्चा आएगा, वो चेयर लेगा, अब जरा ध्यान से देखना इसको, ये रूम है आपके पास, ठीक है, और एक बच्चा आता है वो चेयर लेता है और नीचे डाल देता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करके भर देता है, टेढ़ी मेढ़ी सारी चेयर भर देता है, ऊपर से उठा उठा के नीचे भर रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। उठा के पटक देगा, तो उसके पटकने पर क्या होगा, अब जरा वो देखिएगा, उसके पटकने पर क्या होगा, पहली चेयर हो सकता है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, दूसरी चेयर हो सकता है इसके सामने आ जाए, तीसरी चेयर हो सकता है ऐसे इन दोनों चेयर्स के उल्टी साइड में लटक जाए, चौथी चेयर इसके ऊपर फिर से टेढ़ी हो जाए, पांचवी चेयर बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो जाए, छठी चेयर ऐसे आ जाए इसी के ऊपर, सातवीं चेयर यहाँ इन दोनों को कवर कर ले, तो देखो बीच में गैप नजर आ रहा है, ये वाला गैप नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बराबर नहीं है। हो सकता है इस चेयर के ऊपर दूसरी चेयर बिल्कुल परफेक्टली दूसरी चेयर आ जाए, तीसरी चेयर भी बिल्कुल परफेक्टली आ जाए, चौथी चेयर भी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, पांचवी भी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, और बिल्कुल परफेक्ट टू परफेक्ट चेयर की एक रो तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई, दूसरी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तीसरी फिर से टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। Yes, sir. तो यानी ये सीधा इनका कोई पैटर्न नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी टेढ़ा मेढ़ा, हो सकता है ये दोनों परफेक्ट बिल्कुल सही गैप में आ गए, लेकिन तीसरा मॉलिक्यूल जो आ रहा है वो कुछ ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, चौथा मॉलिक्यूल हो सकता है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर और ज्यादा गैप हो गया। समझ में आई ये बात? अब अगर मैं इसको गर्म करूं, मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि चेयर वापस निकाल लो भाई, फिर से डालो, तो जिस बच्चे ने उल्टी सीधी पटकनी हो तो फिर से उल्टी सीधी पटकेगा, क्या उसका पैटर्न अब भी सही वैसा ही आएगा, वही गैप आएगा? No, sir. नहीं आएगा, अमोर्फस में ही होता है। जब आप गर्म करके वापस ठंडा करते हो पॉलीमर को, तो पहले जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जहां गैप कम था हो सकता है वहां ज्यादा हो जाए, जहां ज्यादा था हो सकता है वहां कम हो जाए। Got it? Yes, sir. लेकिन बाद में, ये तो था क्रिस्टलाइन, अमोर्फस की सुनिए, अमोर्फस, अब क्रिस्टलाइन की सुनिए। मैंने एक बच्चे को परफेक्ट दे दिया भाई चेयर लगाओ, वो क्या कर रहा है ऐसे करके चेयर के ऊपर चेयर लगा रहा है, चेयर के ऊपर चेयर लगा रहा है बड़े परफेक्ट अरेंजमेंट में, दूसरी चेयर उसने अब ऐसे नहीं लगाई बल्कि उसने दूसरी तरफ लगाई, लगा भी दूसरी तरफ, समझ में आ रही है? और yes, चेयर के ऊपर ऐसे चेयर लगाने वाली दूसरी उसने रो बना दी, ठीक है, फिर इन दोनों को गैप भरने के लिए भी उसने परफेक्टली अरेंजमेंट किया, और फिर नेक्स्ट वाली लगा दी, फिर नेक्स्ट वाली लगा दी। अब मैं उसको कहता हूं मतलब एक दूसरे के मुंह के अपोजिट, तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, हम एक ही लेयर बनाएंगे वरना वो बनेगी नहीं हमसे, ऐसे एक दूसरे के मुंह की साइड उसने मुंह इस तरह से एक दूसरे के मुंह की साइड उसने यहां पर तो पीठ की तरफ कर दिया, यहां मुंह की तरफ कर दिया, यहां फिर से पीठ की तरफ कर दिया, और यहां पर फिर से मुंह की तरफ कर दिया, ऐसे करके उसने चेयर लगा दी, समझ में आ गया? बिल्कुल ऊपर तक,
यस सर। अब मैं उसको बोलता हूँ भाई चेयर तेरी निकाल ले, उसने निकाल ली, मैं उसको बोलता हूँ वापस डाल, वो वापस इसी पैटर्न में जाएगा क्योंकि उसका स्टाइल यही है। क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या किया कि ये उसका स्टाइल था, अब मैंने एक दूसरे बच्चे बोला, हो सकता है दूसरा बच्चा ना बिल्कुल ऐसा पैटर्न फॉलो करे, हर बार एक दूसरे के चेयर जो है बिल्कुल परफेक्ट फेस में आए। ये समझ में आ रहा है? यस सर। पहले वाला बच्चा ऐसे कर रहा था कि एक ऐसे तो दूसरी ऐसे लगा रहा है चेयर, ठीक है यहाँ चेयर समझिए, इसे समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऐसे सामने एक लाइन में लगा रहा है और इनके ऊपर पूरी ऐसे करके लाइन लगा दी, बिल्कुल उसका ऑर्डर ये। तीसरा बच्चा हो सकता है दो चेयर को आमने सामने लगाए, तीसरी को अपोजिट लगा दे, फिर दो को आमने सामने, तीसरी को, चौथा बच्चा हो सकता है तीन को आमने सामने लगाए और चौथी को अलग लगा दे, समझ में आ। लेकिन हर बार जैसे उसको गर्म करके वापस ठंडा करेंगे, मॉलिक्यूल्स गर्म करने पर मूव करते हैं लिक्विड में, ठंडा करने पर वापस जम जाते हैं, तो वो हर बार उसी पैटर्न को बनाएंगे जो वो पहले बना रहे थे, हर बार वो बच्चा उन्हीं चेयर्स को वैसे ही फिट करेगा जो वो पहले फिट कर रहा था। लेकिन अमोर्फस हर बार ऊपर से पटक देगा और उसे नहीं पता इस बार गैप कितना रहेगा, कौन से मॉलिक्यूल पास आएंगे कौन से दूर जाएंगे। समझ में आया? यस सर क्लियर। तो अमोर्फस क्या है कि वो हर बार गर्म करके ठंडा करोगे तो उनके मॉलिक्यूल्स पता नहीं जो पहले पास थे हो सकता है वो दूर हो गए, जो दूर थे हो सकता है पास हो गया, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। ओवरऑल अरेंजमेंट अमोर्फस का भी वही रहेगा। बच्चे ने रूम में कुर्सियां भर दी, 200 कुर्सियां डाल दी, उल्टा पुल्टा आपको ऊपर से कैसा नजर आएगा, ऊपर से उल्टी सीधी चेयर डली हुई है, ऊपर से पैटर्न उल्टा सीधा सा नजर आएगा, ठीक है। उसने चेयर निकाल दी, चेयर निकालने के बाद उसने फिर से भर दी। अब देखो मैंने जहां पर पहले पेन चलाया था वहीं थोड़ा चला होगा, लेकिन अब भी आपको ओवरऑल तो वैसा ही नजर आ रहा है। यस सर। तो बाहर से अमोर्फस सॉलिड्स की सिमेट्री एक जैसी रहती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो भी वैसे से रहते हैं, उनकी सिमेट्री भी सेम रहती है, लेकिन इंटरनली जो परफेक्टली हमेशा उसी पैटर्न में अरेंज होंगे, उतना ही गैप रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में, उतना ही वो टेढ़ा दिख रहे हैं तो वो टेढ़े दिखेंगे, जैसे ये मान लीजिए ऐसे करके कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए, अब दो लेयर्स के बीच में थोड़ा सा मैंने गैप बना दिया, समझ रहे हो, एटम्स के बीच में नहीं है बट लेयर्स के बीच में। क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं यहां से कुछ तिरछे तिरछे वाले ऐसे एटम देखूं, इनका गैप भी सेम आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। तिरछे वालों का मतलब ये गैप क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये वाला गैप भी सेम आता है, इन दोनों के बीच में गैप सेम आता है। तो जब हम एक्सडीआर करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, पीएक्सडीआर करते होते हैं, पीएक्सडीआर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पाउडर्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते होते हैं भाई, इसमें हम क्या करते होते हैं, इन दोनों का गैप हमें पता लग जाता है, इन दोनों लेयर्स का गैप अलग हो सकता है, याद रखिए ये वाली दोनों, समझ में आ रही है बात, इनका गैप अलग हो सकता है और ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप अलग हो सकता है, इनके बीच का गैप अलग हो सकता है और इनके तिरछे वाला गैप अलग हो सकता है, हो सकता है ना, दो तीन तरह के गैप हो सकते हैं। यस यस सर। जब भी इसे गर्म करके ठंडा करोगे इसी पैटर्न में जमेगा, ये गैप हमेशा इतने ही रहेंगे, सारे गैप इतने रहेंगे। तो क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है, एक्सरे डालते हैं, वो सॉलिड को हिट करता है, वापस आता है, तो हमने जहां डाला और जो रेज वापस रिफ्लेक्ट करके सारी की सारी वापस आई, उन रेज के बीच का गैप कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपस में उनका कितना गैप है। और एक पर्टिकुलर परफेक्ट सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अगर सेम आ रही है दो सॉलिड्स की, डेफिनेटली इनके बीच का गैप सेम है, डेफिनेटली वो वही वाला सॉलिड है। समझ में आ गया? तो किसी दो अलग-अलग सॉलिड में डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता? कुछ डिस्टेंस सेम हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। मतलब जैसे मान लो दो लेयर्स के बीच का गैप सेम है लेकिन वो तिरछे वाला गैप सेम नहीं हो सकता, कुछ तो डिफरेंट नजर आएगा। yes, वरना वो बिल्कुल ही सेम नहीं हो जाएंगे, एटम का साइज सेम हो गया, सोचो। यस सर, है ना, तो मतलब कुछ सेम हो सकते हैं, आई एम एग्री विद यू, लेकिन सारे सेम नहीं हो सकते एग्जैक्टली। अगर अच्छे से क्रिस्टलोग्राफी करवाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिलेगी। तो भाई ये अरेंजमेंट परफेक्ट होता है परफेक्ट सॉलिड में, मतलब बच्चा हमेशा परफेक्टली ऑर्डर, और ये ऑर्डर सबका अलग होता है, सारे सॉलिड एक तरह से नहीं जमते, जमते एक तरह से भी हो लेकिन उनका एटम का साइज अलग है तो उनका गैप अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो इस तरह से है ना, इस तरह से काम करती है, और क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल हमेशा ऐसे रहते हैं, लेकिन अमोर्फस में ये गैप कहीं ज्यादा कहीं कम। तो अमोर्फस का आप ना, मतलब जितने भी प्लास्टिक वगैरह पॉलीमर वगैरह हैं, इनका आप पीडीएक्स और पीएक्सआरडी तो नहीं करवा सकते, है ना, इनका पाउडर्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नहीं करवा सकते, पीएक्सआरडी, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड बोलते हैं इसे, बस इसकी फुल फॉर्म बनेगी पाउडर्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन,
पीएक्सआरडी, ठीक है, पाउडर्ड एक्सरे, एक्सरे ये क्रिस्टलोग्राफी बोल सकते हैं, डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, डिफ्रैक्ट करती है रेडिएशन एक्सरे वाली और फिर वो हमें बताती है। क्लियर है बेटा, समझ सबको समझ में आ गया? यस सर। तो यहां से अब आपको ये जरूर कंफर्म हो गया होगा कि भाई सॉलिड्स में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। तो भाई क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड पता लग गए, जो भी पॉलीमर हो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड अपना ऑर्डर कभी नहीं छोड़ता, इंटरनली उसके मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्डर होता है हमेशा परफेक्ट रहता है। दैट्स इट, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना बेटा? बाकी के अंशिका, राज, प्रियांश, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं अब जरा। ठीक है, देखिए भाई आगे जरा, इसके आगे अब मैं आपको ये डिफरेंस पढ़ के सुनाने वाला हूं, बस सुना दूंगा और आगे निकल जाऊंगा, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बता देना। इन दिस टाइप ऑफ द सॉलिड द मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड रेगुलर पैटर्न, ये मैं बता चुका हूं, परफेक्ट ऑर्डर रेगुलर पैटर्न इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, 3D तो सारे ही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्री पैटर्न, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, उनका पैटर्न हमेशा वेल डिफाइंड होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये बताता हूं क्या होता है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड anisotropic nature, anisotropic nature को define जरूर करेंगे, ठीक है? देखिए, definite melting point का मतलब मान लीजिए कि नमक है NaCl 800 degree Celsius पर melt होता है, देखते हैं 800 कुछ है इसका NaCl melting point 801 डिग्री है, ठीक है भाई, 801 डिग्री सेल्सियस पर NaCl हमारा मेल्ट होता है। तो जब आप ये देखिए, ये मैंने पतीला लिया, इसके अंदर NaCl डाल दिया, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए वरना सोडियम मेल्ट हो जाएगा, सोडियम रिएक्ट करेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी ऑक्सीजन में, है ना? इसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ इनर्ट एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, क्लोरीन भी क्लोरीन गैस बन सकती है अगर ऑक्सीजन और रिएक्शन करके, तो मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया 801 पर। जैसे ही मैं इस पूरे पतीले का टेम्परेचर 801 करता हूँ, पूरा एकदम लिक्विड बन जाता है, मतलब नीचे टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है तो नीचे वाला लिक्विड होगा, और जैसे वो लिक्विड ऊपर वाले लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा विद इन 2 to 3 मिनट, जब सबका टेम्परेचर 801 हो जाएगा, और मैंने 801 पर बर्नर का फिक्स कर दिया, फिक्स, तो 801 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे पूरे पतीले का और NaCl का पूरे का 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देगा, तो पूरा नमक पिघल जाएगा। यस, गॉट इट? यस सर। ये है परफेक्ट, यानी परफेक्ट शार्प, शार्प मतलब 801, तो मतलब 801, आपको 802 करने की जरूरत नहीं है, 801 करके फिक्स कर दीजिए, सारा नमक पिघल जाएगा। अब दूसरी चीज लेते हैं बेटा, अब मैंने इसकी जगह पर मैंने ले लिया कांच, ग्लास, टूटा टूटा हुआ ग्लास, बोतल वोटल जो भी टूट जाते हैं ना, है ना, ग्लास। अब देखिए ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट बताता हूं, मतलब परफेक्ट ना होने का, रेंज होती है इसकी, एक रेंज, शार्प नहीं होता है। अब रेंज का मतलब क्या है, मतलब यह है कि ग्लास का टेम्परेचर मैंने ना यहां 1100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सोचो 1100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया बर्नर, तो कुछ ग्लास तो पिघल जाएगा, कुछ, और कुछ सॉलिड रहेगा। मैंने 10 दिन से 1100 डिग्री सेल्सियस पर इसको फिक्स कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात, तब भी सारा नहीं पिघलेगा, कुछ तो सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ही पिघलेगा, हो सकता है 20% पिघल जाए, 80% सॉलिड नजर आ रहा है, अब आपको पिघला हुआ भी नजर आ रहा है, सॉलिड भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब 1100 पर 20% पिघल गया था बिल्कुल, और बाकी का 80% नहीं पिघला। अब मैंने क्या किया, 1200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 1200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हुआ, ग्लास हो सकता है 40% पिघल गया हो और 60% जो है ना पिघला हो, वो सॉलिड नजर आएगा। चाहे आप 10 दिन के लिए रख दो इसको 1200 पर फिक्स कर, नमक मैंने कहा था कि 801 पर फिक्स कर दीजिए, कुछ ही देर में सारा नमक पिघल जाएगा। यस राज बेटा बोलो। सर जो ह्यूमंस की मतलब एनिमल्स की बोन्स होते हैं वो भी मतलब टेम्परेचर देने के बाद पिघल जाते हैं ना? कौन से बोन? एनिमल्स की, समझ नहीं आ रहा है, सॉरी दोबारा बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे ह्यूमंस हो गई या फिर किसी एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तब भी मतलब उसको एक टेम्परेचर देने, जैसे किसी को तो जला दिया जाता है, तो देखा जाता है कि किसी कोई भी रह जाती है, तो वो उसको कैसे है? बोन्स भी क्या है पता है, बोन्स कई चीजों का मिक्सचर होते हैं, अमोर्फस सॉलिड है, तो कुछ चीजें रह जाती हैं, जब हड्डियां जलती हैं जैसे नाखून रह जाते हैं, दांत रह जाते हैं, कुछ एक दांत सभी नहीं रहते, है ना, तो नाखून भी रह जाते हैं, कुछ एक छोटी मोटी हड्डियां भी हल्के फुल्के टुकड़े रह जाते हैं, उसको हो सकता है परफेक्ट आग ना मिली हो, पहला रीजन होता है। दूसरा रीजन वो अमोर्फस सॉलिड होता है, तो उस टेम्परेचर तक अगर ना गए हो तो वो ऐसा हो सकता है, जैसे ग्लास में होता है। अब मैं ग्लास का एग्जांपल दूंगा आपको, वो समझ आ जाएगा। 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पूरा ग्लास 100% पिघल जाएगा, तो आप क्या मानोगे कि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस है? नो सर।
पर ग्लास तो 1100 भी पिघल गया था, 1100 पे 20% पिघल गया था, तो फिर 1400 क्यों है? 1400 पर 100% पिघलता है। इसका मतलब कहीं कहीं तो ग्लास में, ये ग्लास है सोचिए, ग्लास की एक स्लैब है, कहीं कहीं तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा गाढ़े, बहुत ज्यादा पास हैं, इनके बॉन्ड्स बहुत ज्यादा पास हैं, जिसकी वजह से ये 1400 डिग्री पर ही पिघलेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी पास हो सकते हैं इससे कम इनका डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये क्लियर है। तो 1400 पर ये वाला हिस्सा पिघलेगा, और कहीं कहीं हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी बड़ा गैप है, तो ये 1100 पर पिघलना शुरू कर देंगे। इनसे इनसे ज्यादा बड़ा गैप नहीं हो सकता ग्लास में, 1100 डिग्री पर पिघलने वाला जितना भी गैप है, मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर का गैप है या 1 mm का गैप है, तो उससे ज्यादा गैप नहीं होगा। और जो बहुत सॉलिड वाला पार्ट है, सोचिए कि वो बहुत ज्यादा पास आए हुए हैं, तो उनका गैप जो 0.1 mm है, उससे कम गैप नहीं हो सकता। तो जो इनके बीच में बहुत सारे गैप मिलेंगे, वो हर गैप के मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, तो हर टेम्परेचर पर थोड़ा 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 ज्यादा पिघलता जाएगा। इट दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यस, समझ में आ गया। हड्डियां भी अमोर्फस होती हैं, तो कहीं हड्डियां ज्यादा हार्ड होंगी, ज्यादा सख्त होंगी, इस वजह से ये वो वहां पर नहीं पिघलेंगी, वो वहां जलेंगी भी नहीं, ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगी आसानी से। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। तो ये तो था भाई इनके बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो रेगुलर पैटर्न होता है, और साथ में क्या था कि उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो भाई एक बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प होगा, डेफिनेटली, है ना, डेफिनेट हीट ऑफ परफेक्ट होती है भी। एन आइसोट्रोपिक नेचर होता है, आइसोट्रोपिक मतलब सेम, एन आइसोट्रोपिक मतलब अलग। तो अगर मान लीजिए, अब इस नेचर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अमोर्फस में परफेक्ट होती है और परफेक्ट सॉलिड्स में इम्परफेक्ट होती है, ये गड़बड़ है इसमें, ठीक है, देखिए कैसे। तो एनाइसोट्रोपी का मतलब है कि अलग अलग एंगल पर काटने पर उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। मान लीजिए मैं सीधा काटता हूं, सीधा काटने पर मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस मिलेगा। यस, क्लियर है? Yes, समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. और अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे काटता हूं, ऐसे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस मेरे को ये मिलेगा। टेढ़ा काटने पर डिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, और जबकि सीधा काटने पर क्या हो रहा था, अगर मैं उसको सीधा काटता हूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, सीधा काटने पर तो ये वाला डिफरेंस मिलेगा, समझ में आ रहा है, ये वाला डिफरेंस है ना, टेढ़ा काटने पर ये वाला डिफरेंस मिलेगा। तो अगर अलग एंगल से काटा जाए तो वो अलग तरह का डिस्टेंस हमें देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, एन मतलब सेम नहीं है, क्लियर है? तो ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। एन आइसोट्रोपिक होते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई थी क्या बेटा? सर कॉल ड्रॉप हो गई थी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो एन आइसोट्रोपिक। करता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो देखिए एन आइसोट्रोपिक है, मतलब अलग अलग एंगल पर, अगर आप इसको इस लाइन से काटते हैं, इस वाली लाइन से, तो देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच का एंगल क्या है, वो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ये वाला है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है ना सभी मॉलिक्यूल्स में, yes, सरफेस ये बनेगा। और अगर मैं इसको तिरछा काटता हूं इस लाइन से, तिरछे वाली लाइन से, तो देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस यहां ज्यादा है, इनका ऑर्डर तो परफेक्ट होता है। तो अलग एंगल से काटने पर इनकी प्रॉपर्टीज अलग आती हैं, सेम नहीं रहती, इसलिए ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ये अच्छे वाला डायग्राम बना हुआ, वहां से एनसीईआरटी से भी चेक कर सकते हैं अगर एनसीईआरटी हो आपके पास। और दूसरा देखिए, वो मैं शेयर कर दूंगा, अगर नहीं है तो पुराने वाले। अब दूसरा देखिए, एन आइसोट्रोपिक मतलब मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है, ग्लास, ग्लास के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, दूसरा हो सकता है ग्लास के मॉलिक्यूल्स छोटे से, छोटे से गोल बन गए, तीसरा हो सकता है फिर से बड़ा हो, ये गोल गोल है ना, ऐसे झुंड में मिल रहे हैं, फिर हो सकता है कोई इंटरमीडिएट शेप में भी हो, है ना, ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको आप ऐसे काट लो तब भी ये उबड़ खाबड़ मिलेगा, समझ में आ रही है बात? अब इसे ऐसे काट लो तब भी ये उबड़ खाबड़ मिलेगा, ये बात समझ में आ गई? हर तरफ से ये सेम तो नहीं मिलने वाला है, तो मतलब सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि हर तरफ से उबड़ खाबड़ है, कहीं से भी काट लो इसने वैसे ही पैटर्न दिखाना, समझ में आया? यस सर। तो ये आइसोट्रोपिक है, ग्लास इसका एग्जांपल है, आइसोट्रोपिक ग्लास एग्जांपल है, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक।
तो भाई देखो अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक होता है, वो सेम नहीं होता हर जगह से। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट ऑलवेज सेम फ्रॉम ऑल साइड्स अगर काटते हैं तो, लेकिन अमोर्फस सॉलिड हर तरफ से सेम, वो टेढ़ा है पर मेरा है, हर तरफ से टेढ़ा है। समझ में आ गया? यस सर। Anisotropic means, तो यहाँ इन्होंने anisotropic, they exhibit different physical, तो देखिए anisotropic का मतलब बता रखा different physical properties in all direction, अलग अलग direction में physical property अलग हो जाएंगी। the electrical thermal conductivity different होती है, तो अगर यहाँ से काटने के बाद इसको इस तरफ से अटैच करते हैं thermally या electrically तो ये बढ़ जाएगी कहीं कम हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा difference आ जाएगा। they are generally incompressible, ये incompressible होते हैं इस बात में तो कोई doubt नहीं है। the general example of crystalline solid is quartz, क्रिस्टलाइन में क्वार्ट्ज आता है भाई, डायमंड आता है। क्वार्ट्ज क्या होता है? SiO2, वॉचेस में यूज होता है, घड़ियों में यूज होता है, परफेक्ट सॉलिड होता है। टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ इसमें डिफरेंस नहीं आता, टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ इसमें डिफरेंस नहीं आता, इसके साइज में डिफरेंस कम ज्यादा नहीं आता। इसलिए घड़ियों के जो पुर्जे बनाए जाते हैं, जो आपकी हाथ में घड़ी होती है या दीवार वाली घड़ी होती है, उसके जो पुर्जे बनते हैं क्वार्ट्ज मटेरियल से बनते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब कम या ज्यादा हो जाता है तो गरारी जो है उनकी वो कम या ज्यादा हो जाएगी। साइज ज्यादा हो गया गरारियों का आपस में, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो टाइम स्लो चलने लगेगा, आइंस्टीन बन जाएंगे सारे। और अगर साइज कम हो गया तो ढीली हो जाएंगी, तो टाइम फास्ट चलने लगेगा। इंजन तो वही है ना, स्पीड तो वही देगा। यस सर। तो इसलिए क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं बहुत सारे घड़ियों के पार्ट्स, और ये सबसे अच्छा मटेरियल बनाया माना जाता है। हाँ बेटा, जो रेल की पटरियां होती हैं उनको अगर इससे बना दिया जाए तो उनमें इतनी पावर नहीं होती ना, घड़ी तो नाजुक सी है वो रेल का वजन कैसे सहन करेंगी ये भी तो देखना ना बेटा, देयर आर अनदर फैक्टर्स आल्सो। लोहा तो लोहा होता है, ये याद रखना, भले ही कितनी कमियां, आप साइंस पढ़ोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे लोहे में बहुत सारी कमियां, रस्ट लग जाता है, ये वो फलाना धिमकड़ा, लेकिन लोहा लोहा ही है। समझ गए? उसमें एक है कि वो ताकतवर है, ताकत बहुत बड़ी चीज है, बाकी चाहे सारी कमियां हो। मेरी बात सुन लो, इफ यू हैव ए पोस्ट, अगर आप प्रधानमंत्री भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी बुरे काम कर रहे हो कोई नहीं पूछेगा, कोई कहेगा ही नहीं, ज्यादा ज्यादा एलिगेशन लगाएंगे आप और मशहूर हो जाओगे, आके और झूठ बोल देना, समझ गए? लेकिन अगर आप एक आम इंसान हो और अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ, ये गलत आदमी है, घटिया आदमी, निकालो इसको यहाँ से, मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। डिफरेंस इसलिए हमेशा बोलता हूँ वर्क फॉर पावर, पावर के लिए काम कीजिए, पैसे के लिए काम कीजिए। और ये प्रैक्टिकल है बेटा, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा होना अच्छी बात है, गुड हार्टेड होना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाइए वरना दुनिया जीने नहीं देगी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपको आगे जाके समझ में आएगी, अभी आप बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं अभी उम्र में ना। अमोर्फस सॉलिड देखिए भाई, अब अमोर्फस सॉलिड वैसे तो हम एग्जांपल इसके कोई भी दे सकते हैं, आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सारे के सारे ही अगर सॉलिड बनाएंगे तो वो सब क्रिस्टलाइन है। इन द टाइप ऑफ सॉलिड अरेंजमेंट बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है पहला पॉइंट, दे आर कूल्ड, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं आप, हाई विस्कोसिटी के विद हाई विस्कोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे किए हुए लिक्विड है, लिक्विड है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडे किए हुए। क्योंकि इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जब आप कांच को, कांच खिड़कियों में लगता है ना हमारा, कांच की खिड़कियां, तो अगर आप कांच की खिड़कियां जो 30-40 साल पुरानी है उसको देखेंगे तो ऊपर से नीचे कांच सीधा लगा हुआ था, तो जब आपने वो खिड़कियां बनाई थी लगाई थी उस टाइम पर उनकी मोटाई लगभग बराबर थी, ऊपर और नीचे सबकी हाइट मोटाई कांच की। लेकिन अगर 30-40 बाद आप उनकी मोटाई चेक करते हैं तो वो कांच की मोटाई क्या हो जाती है, ऊपर कम नीचे ज्यादा, हल्का सा फर्क पड़ता है लेकिन ऊपर कम नीचे ज्यादा। जैसे लिक्विड नीचे ड्रॉप वाइज गिरता है ना, वैसे उसकी ड्रॉप बन रही है, लेकिन कांच की ड्रॉप हजारों सालों में बनती है। जैसे आपको पता होगा तारकोल, सुना सबने? यस सर। क्या बोलते इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, नाम था उसका स्पाइक, पता नहीं क्या नाम था उसका इंग्लिश में, भूल गया मैं नाम, है ना, जो लुक हिंदी में उसको लुक बोलते हैं, जिनसे सड़कें बनती हैं, सबने देखा होगा। तो एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसका, एक कीप ली उसने फनल, इसके अंदर तारकोल भर दिया, टेम्परेचर रखा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब वो तारकोल की ड्रॉप बनती है कितने सालों में, लगभग 11 साल 10 महीने समथिंग टाइम, लगभग 12 सालों में एक ड्रॉप बनती है उसकी।
वो दिखता तो सॉलिड है ना, लेकिन वो लिक्विड होता है, सूप थोड़ा सा ज्यादा ठंडा लिक्विड है। धीरे धीरे ड्रॉप बनती है, 12 साल लगते हैं एक ड्रॉप बनने में। उसकी 2-3 ड्रॉप गिर चुकी हैं, जिस साइंटिस्ट ने उसको शुरू, पता नहीं 5-6 गिर चुकी हैं। गिरते टाइम पे वो कैमरे वैमरे लगा रखे हैं कि वो बिल्कुल नीचे आता है, फिर वो गिरने की हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं है, कई सालों तक नहीं गिरता है ना। तो वो चीज लगा रखी है इन्होंने और वैसे कुछ करके वर्क होता है। क्लियर है भाई? तो ऐसे ही शीशा भी ऐसा ही है। अगर आप कीप में इसके अंदर फनल में लोहे की फनल में शीशा भर देते हैं और इसको ड्रॉप बनने का इंतजार करते तो 1000 साल लग जाएंगे, बट ये ड्रॉप बनेगा जरूर। गॉट इट? यस सर। डेफिनेटली बात है, ये भी सुपर कूल्ड लिक्विड है, हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। सभी अमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, हाई विस्कोसिटी के साथ, विच आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द मॉलिक्यूल टुगेदर सो ग्रेट, ये इतनी ज्यादा होती है दैट मटेरियल बिकम रिजिड बट देयर आर नो रेगुलरिटी इन द स्ट्रक्चर। वो रिजिड तो होते हैं, सख्त होते हैं, बट रेगुलर नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली इसी को हम क्रिस्टलाइन अमॉर्फस बोलते हैं। दे डोंट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, कर चुके हैं। क्लियर है? यस सर। कांच का 1100 से 1400 के बीच में होता है। They are isotropic, ये भी बात कर चुके हैं। Isotropic क्या होते हैं? Exhibit same physical property all directions में। Clear है? General example of the solid are regular glass। Glass जो होता है हमारा, rubber है, plastic है, देखो सारे polymer है या mixture है कई molecules के। हाँ भाई, clear है? ये वाला page पहला page है, but पहले page में ये चीजें समझानी जरूरी थी, आगे वाला काम आसान हो जाएगा। Clear है बेटा सबको? Sir, clear है। Yes sir। ठीक है। अभी देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, अब मैं ये नहीं करवाने वाला, ये आप खुद कर सकते हैं। डेफिनेट रेगुलर, देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है, रिजिड होते हैं, हैव क्लीवेज। अब ये है इसको फिक्स का 6 पॉइंट बता दो एक बार। क्या बेटा? फिक्स का 6 पॉइंट बता दो। 6 पॉइंट? यस सर। आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी वाला? यस सर। देखो बेटा यहां पर ये देखिए, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप ये वाला काउंट होगा, ये वाला गैप, ठीक है, जो कि कम है या ज्यादा है जैसा भी है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे फ्लो हो रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी लगा देता हूं तो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप डिफाइन। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को इस डायरेक्शन से ऐसे टेढ़ा करके लगा दिया तो मॉलिक्यूल का गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट अब कम हो जाएगा। समझ में आया? अलग अलग डायरेक्शन से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की अलग अलग प्रॉपर्टी चेक की जाए तो उनका अमाउंट कम ज्यादा होता रहता है, इसी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, जो सेम नहीं है। क्लियर है? यस सर। क्रिस्टलाइन होते हैं, अमोर्फस में क्या, हर तरफ से टेढ़ा मेढ़ा है, तो किसी भी डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो हर जगह उसे छोटे और बड़े मॉलिक्यूल हर जगह पर मिलेंगे, इसका मतलब वो हर तरीके से टेढ़ा काटो, सीधा काटो, कैसे भी काटो, उसके बाद प्रॉपर्टीज को चेक करो, हर तरफ से प्रॉपर्टीज उसकी सेम आने वाली है, आइसोट्रोपिक। क्लियर है? कांच को आपने काटा होगा या कटा हुआ कांच देखा होगा, बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है, उसके ऊपर ऐसे उंगली लगाएंगे तो टूटे हुए है ना, ऊबड़ खाबड़, कहीं मॉलिक्यूल में गैप कम है कहीं ज्यादा है, इसलिए उबड़ खाबड़ है। तो वो अगर उसको कट करते हैं तो प्लेन नहीं कटता, अमोर्फस, लेकिन अगर क्रिस्टलाइन को कटते हैं तो बिल्कुल प्लेन कटेगा, क्रिस्टलाइन वाला प्लेन कटेगा। तो अमोर्फस को प्लेन करने के लिए बाद में क्या करते हैं कांच को पता है, उसको गर्म करके और किसी चीज पर ऐसे रगड़ते हैं जिससे वो गर्म भी हो जाता है और फिर वो स्मूथ होकर वापस बाहर से वापस स्मूथ हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक और पॉइंट है, उसके अलावा सारे कंप्रेसिबिलिटी वगैरह हम कर चुके हैं। दे आर गिवन इररेगुलर क्लीवेज, तो इनका जो टूटना है इररेगुलर होता है, दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद इररेगुलर सरफेस, ठीक है, तो इररेगुलर सरफेस के साथ आएगा। आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपी आप कर चुके हैं, दे आर आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, टेढ़े मेढ़े है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर ये ए बी इस तरह से कम ज्यादा होता है, ये हर तरफ स्मूथ रहते हैं, ये हमेशा आइसोट्रोपिक, एक जैसी प्रॉपर्टियां दिखाएंगे हमेशा, टेम्परेचर कम ज्यादा पर। सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं, ए सॉलिड एक्स मेल्ट स्लाइटली अबव 273 केल्विन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर है, मेटल तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर है, मेटल नहीं है, टू विच फॉलोइंग कैटेगरी डज इट बिलोंग, कौन सी कैटेगरी पर ये बिलोंग करता है, बता सकते हैं भाई? आंसर नंबर 4 है मॉलिक्यूलर, क्या ये मॉलिक्यूल है? ऑब्वियस है, पॉलीमर तो नहीं हो सकता और शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन मॉलिक्यूल है क्योंकि मेटल नहीं है। समझ में आया सर? कोवेलेंट क्यों नहीं हो सकता? मेटालिक हो सकता है, कोवेलेंट सॉलिड
वो भी बताएंगे। आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्लियर है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। कोवेलेंट सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट नहीं होते हैं, पता है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना कुछ कुछ अंदाजा बेस्ड होते हैं, ठीक है? वैसे तो वो कोवेलेंट भी हो सकता है, आई एम एग्री विद यू, लेकिन हम इसको मॉलिक्यूलर मानेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूलर की तरफ है इसका रुझान, ठीक है भाई? क्या कह रहे हो दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं आया। मॉलिक्यूलर से मतलब क्या है, किस तरह का मतलब कंपाउंड? आगे बताऊंगा, मॉलिक्यूलर आएगा, रुक जाओ आगे बताते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आएगा क्या? स्टडी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्टडी आगे सीधा। अरे मॉलिक्यूलर सॉलिड आया नहीं, इसका मतलब एक टेबल है भैया एनसीईआरटी में, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि कितना की डिटेली बता रहे हैं, वरना हम फिर कोई और पीडीएफ यूज करेंगे, ठीक है? ये वाले पीडीएफ में तो मतलब या तो ज्यादा बता ही नहीं रखा, आज अचानक से बोला था तो मैंने फिर सीधा शेयर कर दी, ढूंढ दिया ना, कोई बात नहीं। अगर मॉलिक्यूलर नहीं है तो हम उसको करेंगे, नो वरी अबाउट दिस। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल, इन द क्रिस्टल एटम आर लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ, एटम कहां पर पोजीशन पर, मिनिमम पोटेंशियल के ऊपर होने चाहिए ना, मतलब उनके बीच का गैप जो है वो सबसे कम हो, उनका एनर्जी लेवल सबसे कम होना चाहिए, तभी तो एटम लोकेट होते हैं, दैट इज इट, है ना? ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, अब देखो इन्होंने ग्रेफाइट का नाम ले दिया जबकि ग्रेफाइट के बारे में बताया नहीं है। ग्रेफाइट क्या है भाई? कोवेलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, वंडरवाल सॉलिड है, कोवेलेंट होता है ग्रेफाइट के, कोवेलेंट है, स्ट्रक्चर भी आता होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों है उसके बारे में रीजनिंग भी आती है, वो सारा कुछ खा गए देखते हैं सर। उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हां फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, बिल्कुल। अमोर्फस सॉलिड भाई क्या होता है? पोजेस शार्प मेल्टिंग पे, वो फलाना दिख रहा। तीसरा पॉइंट देखिए, डोंट अंडरगो क्लीन क्लीवेज विद कट, ये है अमोर्फस सॉलिड। स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल क्या होता है? स्पेस लेटर्स। अब मैं जरा ना देख लूं कि इन्होंने आगे क्या दे रखा है, यूनिट सेल आ गया, क्रिस्टल आ गया, मतलब ये लोग वो खा गए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल मैथमेटिकल, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक रेडियस है, आयनिक सॉलिड्स, अरेंजमेंट अल्फा, मतलब चैप्टर दिया हुआ है क्या इसमें? बॉडी सेंटर क्यूबिक, हाँ बेटा पूरा चैप्टर है, समझ गया मैं, मतलब भाई इन लोगों ने वो बीच वाला एक टॉपिक खा लिया है, ठीक है ना? वो टॉपिक आपको करवा दूंगा, नो वरी, ठीक है? उसको देख के बीच में वो दो स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके, कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बात बताते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में भी बताया जाता है, आयनिक सॉलिड के बारे में भी बताया जाता है, इनका डिफरेंसेस भी बताते हैं, वो डिफरेंस है जस्ट, छोटा सा टॉपिक है, नो वरी अबाउट दिस। स्टडी ऑफ क्रिस्टल, अब क्रिस्टल की स्टडी देखिए, क्रिस्टल क्या होता है? मतलब क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, लैटिस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, लैटिस वर्ड क्रिस्टल लैटिस भी बोल, क्रिस्टल भी बोल देते हैं, अकेला लैटिस बोल देते हैं, या फिर क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं, समझ में आ रहा है भाई? एक ही चीज है, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन सॉलिड या अकेला लैटिस या फिर अकेला क्रिस्टल, एक ही बात है, सारे एक ही बात है, क्लियर है? यस सर। अब हम इस लेसन में अमोर्फस सॉलिड के बारे में जस्ट जनरल नॉलेज थी, अमोर्फस सॉलिड को नहीं लेने वाले हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, हमारा काम है सॉलिड्स की स्टडी करना, ना कि अमोर्फस। अमोर्फस की तो प्रॉपर्टियां फिर अलग तरह से आएंगी, तो सॉलिड्स कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्रिस्टल्स के अंदर देखिए भाई, सॉलिड्स क्या क्या और कैसे कैसे काम करते हैं। तो क्रिस्टल क्या होता है भाई? परफेक्ट सॉलिड होगा। क्रिस्टल इज द होमोजेनस पोर्शन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मेनली रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, यूनिट बॉन्डेड टू द प्लेन सरफेस, मेकिंग डेफिनेट एंगल्स विद ईच अदर, ठीक है? तो सब बकवास चीजें, सीधी सी बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा है। स्पेस लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम्स जिस चीज से मिलकर कोई सॉलिड बना होता है, कोई लैटिस बना होता है, उसको स्पेस लैटिस कब बोलेंगे? जब उस कंस्टिट्यूएंट एटम्स की अरेंजमेंट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट साइट्स इन 3D में जब उसको दिखाते हैं तो वो स्पेस लैटिस कहलाता है। 3D में जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट को शो करते हैं उसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये तो बकवास थे दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ऐसी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। यूनिट सेल की डेफिनेशन पूछी जाती है, यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल सबसे छोटा पोर्शन जिसको बार बार रिपीट किया जाए तो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाए, सबसे छोटा, उससे ज्यादा छोटा ना हो सके। तो मान लो मैंने बोला कि एक बच्चा सीधे मुंह से कुर्सी लगा रहा है, एक बच्चा टेढ़े मुंह से कुर्सी लगा रहा है, पहली लाइन एक बच्चे की सीधी थी, दूसरी टेढ़ी थी, तीसरी फिर से सीधी, चौथी फिर से टेढ़ी, तो आप सबसे छोटा पोर्शन क्या उठाओगे? पहली सीधी कुर्सी, दूसरी टेढ़ी कुर्सी, दो कुर्सियां तो कम से कम लेनी पड़ेंगी। यस सर।
वरना उसका पैटर्न बार, अब उन दो कुर्सियों को बार बार रिपीट करते जाओ, पूरा पैटर्न बन जाएगा, पूरा सॉलिड बन जाएगा, तो कम से कम दो चाहिए वहां पे। तो ऐसे ही हर सॉलिड का कम से कम छोटा कितना पोर्शन लिया जाए जिसे बार बार रिपीट करने से, 3D में, 3D ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से रिपीट कर रहे हैं हम उसे, तो हमारे पास पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाए परफेक्टली। दैट इज गोल्ड यूनिट सेल। हाँ भाई, यूनिट सेल क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर, है ना? तो भाई यूनिट सेल अब आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों का ये स्कूल में हो चुका है क्या लेसन? नहीं, सिलेबस में नहीं तो करवाया ही नहीं। क्या सिलेबस में नहीं? सिलेबस में नहीं है। अरे हाँ, सिलेबस में ही नहीं है इसलिए करवाया नहीं। तो देखिए भाई, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द स्पेस लैटिस, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कह लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह लो, एक ही बात है। व्हेन रिपीट्स ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, रिजल्ट ए क्रिस्टल, रिजल्ट ए परफेक्ट क्रिस्टल, कंप्लीट क्रिस्टल बोल सकते हैं। गिवन सब्सटेंस कॉल्ड यूनिट सेल, उसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है बेटा यूनिट सेल? यस सर। तो यूनिट सेल जो है वो जनरली क्या होती है भाई? यूनिट सेल जनरली क्यूबिक फॉर्म में होती है, क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, इस तरह से होती है। तो हम यहाँ पर देखिए क्यूब, प्रॉपर्टी ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब की प्रॉपर्टीज। अब यूनिट सेल का मतलब ये क्यूब, मतलब यहाँ कॉर्नर्स पे ऐसे एटम है, जब मैं इन एटम्स को आपस में जोड़ता हूँ सेंटर टू सेंटर, तो मुझे एक क्यूब मिलता है। मतलब ये इतने दूर नहीं है, ये ऐसे पास पास है, समझ में आ रही बात? लेकिन जब मैं इनको ऐसे जोड़ता हूँ इनके सेंटर टू सेंटर, तो मुझे इस तरह से दो क्या मिलती हैं, जैसे ये लगा लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पर भी है। जब मैं इनको आपस में ऐसे जोड़ता हूँ तो मुझे एक परफेक्ट क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। तो ये एटम आपस में पास है एक दूसरे के, दूर नहीं है, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इसको थोड़ा 3D में बिहेव करके यूज करना। तो ये होती है भाई जो क्यूब है, एज, एज का मतलब ये लाइन है क्यूब की, समझ गए होगे एज क्या होता है? यस सर। कितने एज होते हैं? 12, दिख रहे हैं सबको? रूम की दीवारें काउंट कर लो जो बिल्कुल स्टैंडिंग में, उनके कॉर्नर्स, कॉर्नर्स काउंट करो, 4 कॉर्नर तो ऐसे हो गए, 4 फर्श के कॉर्नर बनते हैं, 4 छत के कॉर्नर बनते हैं, 12 हो गए टोटल। इमेजिन करना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो 12 होते हैं टोटल एज। तो फेस डायगोनल, तो देखिए भाई अब फेस कितने होते हैं? सबसे पहले फेस का मतलब पूरी दीवार, कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारी तो आपको दिख रही है, एक छत है और एक नीचे फर्श है, 6 हो गई ना, तो टोटल फेस होते हैं 6। यस, क्लियर है सबको? यस सर। एज बनता है, देखिए एज क्या बनता है, दो दीवारों को बीच में जहां वो शेयर हो रहा है। और यहाँ देखिए कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है, 3 दीवारें, ये वाला फेस और नीचे वाला फेस, ये तीनों फेस यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो इसको 3 दीवारों से जो बनता है उसको बोलते हैं कॉर्नर। क्लियर है? और कॉर्नर कितने होते हैं? अब देखिए 4 तो ये हो गए आपके पास, 4 इधर वाले हो गए, 8 हो गए टोटल, बाकी सब काउंटेड है। कैसा बनेगा? नहीं, ये देखिए, ये वाला एक कॉर्नर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक जितने आइटम रखे हो ये सारे कॉर्नर पे हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो 8 कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के अंदर। अब फेस डायगोनल फेस कितने होते हैं? डायगोनल फेस का मतलब देखिए जरा, 12 डायगोनल फेस होते हैं। कैसे? ये वाला फेस, फिर ये वाला डायगोनल, जो फेस का डायगोनल है, समझ में आ रहा है? फेस का डायगोनल मतलब एक दीवार के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, यस और नॉट? यस सर। तो कितनी दीवारें हैं? 6 दीवारें थी, 6 है, ये थी ना, तो 12 डायगोनल हो जाएंगे सीधा। अब एक बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मतलब पूरा का पूरा 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो देखो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक डायगोनल बनेगा। सबसे लंबी जो रोड रखी जा सकती है आपके रूम में, वो डायगोनली नहीं, वो बॉडी डायगोनली, एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर, ऐसे करके ऊपर नीचे वाले जो कॉर्नर्स हैं रूम के, वो आपका बॉडी डायगोनल बनाते हैं। यस, क्लियर है? तो ऐसे बॉडी डायगोनल कितने बनाए जा सकते हैं भाई? जितने भी अपोजिट एक दूसरे कॉर्नर्स कितने हैं टोटल? कॉर्नर है 8। अगर 8 कॉर्नर है तो 2 कॉर्नर को मिलाने से एक डायगोनल बॉडी डायगोनल बनता है, ठीक है, 2 तिरछे कॉर्नर से। तो इस तरह से टोटल 4 कॉर्नर होंगे, तो एक तो ये रहा, एक ये वाला मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं ये वाला, एक इससे और इससे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, एक ये वाला ऊपर और ये नीचे वाला इससे बन सकता है। क्लियर है बेटा? ऐसा क्लियर है। बॉडी डायगोनल होते हैं 4, ये रट्टा मारना है, समझना भी है और याद भी करना है। फिर बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर तो एक ही होगा बॉडी के सेंटर में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसको मार्क लगाना बेवकूफी। बॉडी के सेंटर में अगर कोई चीज रखी हुई है तो सेंटर तो हमेशा एक ही होता है। फेस के सेंटर कितने होते हैं भाई? फेस के सेंटर 6 होते हैं। 6
ना, हर टोटल जितने फेस हैं, हर एक फेस के ऊपर एक एटम रखा जा सकता है, तो 6 एटम आ सकते हैं फेस पर। क्लियर है? यस सर। तो फेस देखिए क्या होता है, फेस इज कॉल्ड फेस, द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस एज। आपको पता है टू एडजेसेंट फेसेस से मिलकर बनता है। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग फेसेस, दो इंटरसेक्टिंग फेस जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, ये वाला होता है एंगल, ये वाला। समझ में आ रहा है? इसको इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, ठीक है? बट इसकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। तो देखो एक यूनिट सेल ये है, ये मान लो NaCl की एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ऊपर मैंने एक डब्बा यहाँ रख दिया, एक पीछे रख दिया, एक इसके पीछे रख दिया, फिर ऊपर रख दिया, फिर दूसरा ऊपर, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ऐसे करके टोटल 8 डब्बे रख दिए, तो मेरे पास पूरा क्रिस्टल बन गया, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। समझ में आ गया? यस सर। ये यूनिट सेल है, ठीक है, ये वाली यूनिट सेल है, और यूनिट सेल को रिपीट करते करते हमने पूरा स्पेस लैटिस बना लिया। That's all for the today's lecture, guys. आज इतना ही करेंगे बेटा, सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा, यूनिट सेल आगे कैसे दो डायमेंशन में काम करती है, और बाकी सब भी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट बताइएगा। हाँ भाई।